गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम जलवायु का वर्गीकरण करेंगे। जलवायु के वर्गीकरण की बात करें तो विश्व की जलवायु के वर्गीकरण के प्रयास सामान्यतः दो आधारों पर किए जाते हैं। दो आधार कौन कौन से हैं? नंबर एक अनुभाविक आधार और नंबर दो जनिक आधार। अनुभाविक आधार के अंतर्गत हम किसे शामिल करते हैं? तो जो अनुभाविक आधार है उसके अंतर्गत विश्व जलवायु का वर्गीकरण विभिन्न स्रोतों। अब उसमें स्रोत कौन कौन से लेंगे? तो स्रोतों की बात करें जैसे वेधशालाओं, वायुयानों, उपग्रहों, गुवारा विधि प्रयोगों आदि के द्वारा जो आंकड़े हमें प्राप्त होते हैं उनके आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है उसको अनुभाविक आधार कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें जनिक आधार की, जो सेकंड नंबर है, तो जनिक आधार के अंतर्गत किसको शामिल किया जाता है? इसमें जो वर्गीकरण है वह जलवायु घटनाओं तथा जलवायु में विभिन्नता के आधार पर किया जाता है। तो जो जलवायु का वर्गीकरण है, अगर उसमें कोई घटना शामिल हो या फिर जलवायु की भिन्नता शामिल हो तो उसको जनिक आधार कहा जाता है। तो ये दो प्रकार हैं जिनके आधार पर क्या है, जलवायु का वर्गीकरण किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें आज जो हमारा जलवायु वर्गीकरण है वह किसका वर्गीकरण है, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन महोदय, इन्होंने क्या किया है कि जलवायु का वर्गीकरण करके जलवायु के अलग अलग प्रकारों के बारे में या उसको प्रदेशों में बांटा है। सबसे पहले अगर हम बात करें कोपेन की, जिनका पूरा नाम व्लादिमीर कोपेन है, यह एक जर्मन के विद्वान थे। अगर इनकी बात करें, जो इनका वर्गीकरण है यह उन्होंने 1918 में किया, लेकिन जो उन्होंने अपना वर्गीकरण 1918 में किया उसमें उन्होंने परिमार्जन और जो संशोधन किया वह 1936 में किया। इस परिमार्जन और संशोधन में क्या था कि उन्होंने तापमान और वर्षा को प्रमुख आधार बनाया। अगर हम कोपेन के जलवायु प्रदेशों का निर्धारण देखें तो वह तापमान और वृष्टि के औसत वार्षिक मानों के आधार पर किया जाता है। कोपेन की बात करें तो कोपेन ने केंडाल महोदय जो थे उनका वर्गीकरण था, जिनके द्वारा 1874 में प्रस्तावित जो वर्गीकरण था जिसमें विश्व के पांच वनस्पति मंडलों, जो पांच वनस्पति मंडल थे वह कौन कौन से थे, मेगाथर्मल, जीरोफाइट, मेसाथर्मल, माइक्रोथर्मल और हेकिस्टोथर्मल के आधार पर विश्व को पांच प्रमुख जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया। ये जो कोपेन ने विश्व के पांच प्रमुख जलवायु प्रदेश लिए हैं या फिर विश्व को पांच प्रमुख जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है, उसके लिए उन्होंने क्या किया है कि इनका नामकरण कुछ अंग्रेजी के अक्षरों को लिया है। अंग्रेजी के अक्षर जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी और कैपिटल ई। तो ये जो उन्होंने वर्गीकरण लिए हैं क्या है कि ये अक्षर लिए हैं, तो इनके आधार पर उन्होंने क्या किया है, अपना वर्गीकरण किया है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि जो इन्होंने ये अक्षर लिए हैं अंग्रेजी के, इनका अर्थ क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ए की, ए में भी देखो ध्यान से कि हमने कैपिटल ए लिखना है, इसमें कैपिटल और स्मॉल वर्ड के भी अंतर हैं। तो जो कैपिटल लेटर है ए, इसमें क्या है कि जो जलवायु ली है वह है शीत ऋतु रहित उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, यानी कि अगर कहीं पर उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु है तो ये उसको उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु न लिखकर उसके लिए कैपिटल ए अक्षर का यूज़ करते हैं कोपेन महोदय। अब उष्ण कटिबंधीय जो आर्द्र जलवायु है, अगर इसकी खासियत की बात करें कि इसमें क्या कुछ पाया जाता है, तो इस प्रकार की जलवायु में प्रत्येक माह का जो औसत तापमान है वह 18 डिग्री सेल्सियस रहता है। चीज़ को ध्यान में रखना कि प्रत्येक माह का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस है। ऐसी जलवायु में शीत ऋतु का अभाव होता है, क्योंकि पहले ही देखो नाम में पता चल रहा है ना कि शीत ऋतु रहित, यानी कि शीत ऋतु का इसमें क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। वार्षिक वर्षा की मात्रा अधिक होती है तथा वाष्पीकरण की अपेक्षा वृष्टि सदैव अधिक होती है, यानी कि वृष्टि वर्षा अधिक होती है। अब बात करें हम कैपिटल बी की,
जो कैपिटल बी जलवायु है इसको उन्होंने शुष्क जलवायु नाम दिया है। इस जलवायु में वाष्पीकरण वृष्टि से अधिक होता है, यानी कि इसमें वाष्पीकरण अधिक होगा और वर्षा जो है वो कम होगी। और वैसे भी नाम से पता चल रहा है कि जलवायु कौन सी है, शुष्क जलवायु है। अगर हम बात करें सी नंबर पर, सी नंबर यानी कि सी कैपिटल लेटर का, जो सी कैपिटल लेटर है इसमें उन्होंने क्या लिया है, इसका अर्थ है मध्यम तापीय जलवायु, या फिर इसको आप बोल दो मेसोथर्मल। इसको ध्यान में रखना, मेसोथर्मल, जो ये मेसोथर्मल शब्द है ना, ये बहुत बार पुट होता है कि मेसोथर्मल के लिए इन्होंने किस शब्द का यूज़ किया है। तो मेसोथर्मल यानी कि क्या हो गया, मध्यम तापीय जलवायु, जिसके लिए कैपिटल सी यूज़ किया है। इसकी अगर हम बात करें जो मेसोथर्मल है, तो इसमें क्या चीज़ होती है, उष्ण शीतोष्ण आर्द्र जलवायु इसको कहा जाता है। और इसमें अगर शीत ऋतु देखें तो ये कठोर नहीं होती है। इस जलवायु प्रदेश में सबसे गर्म महीने का औसत तापमान क्या है, 18 डिग्री सेल्सियस से कम। ध्यान में रखना कि ये 18 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है, कम होता है। और सबसे ठंडे महीने का तापमान अगर हम देखें तो औसत 18 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस के मध्य अंकित किया जाता है। यहाँ ग्रीष्म और शीत ऋतुएँ पाई जाती हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं डी की, कैपिटल डी, कैपिटल डी का अर्थ है अल्प तापीय जलवायु, या फिर मध्यम अक्षांशीय शीताद्र जलवायु कह दो। इसके लिए उन्होंने ये यूज़ किया, इसको माइक्रोथर्मल जलवायु कहते हैं। सी को कहते हैं मेसोथर्मल, अब ये ध्यान रखना, और जो डी है इसके लिए उन्होंने लिया है माइक्रोथर्मल। ये अच्छे से ध्यान रखना, ये नेट के पेपर में फर्स्ट ग्रेड में आरपीएससी यूपीएससी अक्सर ये क्वेश्चन पुट करती है, मेसोथर्मल के लिए कौन सा शब्द यूज़ किया है, माइक्रोथर्मल के लिए कौन सा यूज़ किया है। तो अब बात हो रही है डी प्रकार की, तो डी में भी क्या है, इसको बोलते हैं मेसोथर्मल, माइक्रोथर्मल। माइक्रोथर्मल जो है इसमें क्या है, आर्द्र अल्प तापीय जलवायु इसको कहा जाता है। इसमें शीत ऋतु क्या होती है, कठोर होती है। ये चीज़ ध्यान में रखना कि जो शीत ऋतु है वह कठोर मिलेगी, और सबसे ठंडे महीने का जो औसत तापमान है यह है -3 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। ठीक है, जो पहले अपने कर रहे थे ना वह तो क्या था कि 18 डिग्री सेल्सियस तक थे, लेकिन जो माइक्रोथर्मल है इसमें -3 डिग्री सेल्सियस से कम। और सबसे गर्म महीने का बात करें तो इसका औसत तापमान क्या है, 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक। ठीक है, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक इसका तापमान मिलेगा। तो ये 10 डिग्री सेल्सियस जो है ये गर्म महीने का है, लेकिन अगर ठंडे महीने का पूछ लेंगे तो -3 डिग्री सेल्सियस। अब 10 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा वन प्रदेशों की ध्रुवीय सीमा बनाती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ई जलवायु की, या फिर इसको आप बोल दो ध्रुवीय जलवायु, ध्रुवीय जलवायु यानी कि ध्रुवों में मिलेगी। इस जलवायु प्रदेश में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु नहीं होती है, तथा सबसे गर्म महीने का जो औसत तापमान है वह भी क्या होता है, 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। इस जलवायु को कई उप विभक्त करने के लिए उन्होंने कई अक्षरों का भी यूज़ किया है, वो हम आगे पढ़ेंगे। क्या है कि इसको कई उप भागों में बांटा गया है। अब ये चीज़ ध्यान रखना कि कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी और कैपिटल ई के लिए उन्होंने किन किन शब्दों का यूज, जो अक्षर यूज़ किए हैं और किन किन प्रदेशों के लिए यूज़ किए हैं, क्योंकि जो कोपेन महोदय है यह क्या है, उन प्रदेशों का नाम न लिखकर उनके लिए ये अक्षरों का यूज़ करेंगे। अब इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो इन अक्षरों के अलावा भी कुछ अन्य वर्णों का प्रयोग किया है जो वर्षा की अवधि को इंगित करते हैं, यानी कि अब ये जो अक्षर है ये वर्षा के बारे में बताएंगे। जैसे पहले उन्होंने जो अक्षर लिए हैं वो प्रदेशों के बारे में बता रहे हैं, अब ये अक्षर हैं ये वर्षा के बारे में बताएंगे। वर्षा की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखो, पहले कैपिटल लेटर्स का यूज़ हो रहा था, अब क्या है, स्मॉल लेटर का यूज़ हो रहा है। स्मॉल लेटर में सबसे पहले आप देख रहे हो स्मॉल एफ, जो स्मॉल एफ है इसका मतलब क्या है, वर्ष भर वर्षा। अगर पूरे साल वर्षा हो रही है तो कहीं ऐसा कोई प्रदेश जिसके बारे में कोपेन बताए कि यहाँ क्या है, पूरे साल ही वर्षा होती रहती है, तो वह उस प्रदेश के लिए सिंपल एक स्मॉल लेटर एफ का यूज़ करेंगे। इसके बाद अगर हम देखें क्या है, स्मॉल एस,
स्मॉल एस क्या है, अगर कोई ऐसा प्रदेश दर्शाए जिसमें क्या है ग्रीष्म काल में वर्षा होती है, तो ग्रीष्म काल में वर्षा दर्शाने के लिए वो स्मॉल एस का यूज़ करते हैं। इसके बाद अगर बात करें स्मॉल डब्ल्यू की, जो स्मॉल डब्ल्यू है यह क्या है शीतकाल में वर्षा, यानी कि अगर कोई ऐसा एरिया जहाँ पर क्या है सर्दियों में बरसात होती है तो उसके लिए वो किसका यूज़ करेंगे, स्मॉल डब्ल्यू का यूज़ करेंगे। अब कैपिटल एस और कैपिटल डब्ल्यू जो वर्ड लिए गए हैं, ये अक्षर लिए हैं, अगर हम बात करें कैपिटल एस की, तो जो कैपिटल एस है यह क्या है अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु, इसको भी बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना, ये भी अक्सर नेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुट होता है, जो एस शब्द है इसका क्या अर्थ है, ठीक है। तो जो एस है इसका मतलब क्या है स्टेपी जलवायु, और अगर हम वही बात करें कैपिटल डब्ल्यू की, जो कैपिटल डब्ल्यू है वह किसके लिए है शुष्क जलवायु के लिए, जो स्मॉल डब्ल्यू था वह शीतकाल में वर्षा के लिए था, लेकिन जो क्या है कैपिटल डब्ल्यू है वह शुष्क जलवायु के लिए है। तो ये भी कुछ अक्षर उन्होंने दिए हुए हैं वर्षा को दर्शाने के लिए। तो अब इन्हीं अक्षरों के आधार पर जो ये स्मॉल और कैपिटल लेटर दिए गए हैं, इनमें क्या है कि उन्होंने अलग अलग जलवायु प्रदेशों में इनको विभाजित किया है। अब इन्हीं के आधार पर अगर हम बात करें, सबसे पहले हम लेते हैं कैपिटल ए जलवायु, ए जलवायु यानी कि ए जलवायु के अंतर्गत अब उसमें इन्होंने क्या किया हुआ है कि इसको आगे उन्होंने वर्षा की अवधि के आधार पर इसका विभाजन किया है। जैसे आपको बताया था ना कि वर्षा में एफ W इनका आदि यूज़ हो रहा था, तो इसी के आधार पर अगर हम बात करें सबसे पहले उन्होंने लिया है कैपिटल A और स्मॉल F यानी कि AF। जो AF जलवायु है यह क्या है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, उष्ण कटिबंध है और जलवायु कैसी आर्द्र जलवायु है। और यहाँ पर क्या होता है, अभी आपको बताया था ना कि F का मतलब क्या होता है कि जो सभी ऋतु में वर्षा करे यानी कि वर्ष भर वर्षा, तो यानी कि उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु है और सभी ऋतु में ये वर्षा करती है। इसमें अगर देखें तो इसमें शुष्कतम महीने में भी वर्षा 6 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यहाँ पर वार्षिक तथा दैनिक तापांतर क्या होता है न्यून होता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें जो ए का नेक्स्ट प्रकार है वह कौन सा है, ए डब्ल्यू, कैपिटल ए और स्मॉल डब्ल्यू, इसका मतलब है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र तथा शुष्क जलवायु। क्या है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र तथा शुष्क जलवायु, और इसमें शीतकाल क्या रहता है शुष्क रहता है। अगर इसमें हम देखें तो कम से कम एक महीने की वर्षा 6 सेंटीमीटर से कम होती है और वर्ष भर यहाँ पर उच्च तापमान रहता है। इसी के बाद ए में जो तीसरा प्रकार लिया है वह कौन सा है, ए एम, कैपिटल ए और स्मॉल एम। एम का मतलब क्या होता है मानसूनी जलवायु, यानी कि इसको क्या है मानसूनी जलवायु कहते हैं। इसमें एक लघु शुष्क मौसम होता है परंतु जो वार्षिक वर्षा है वह इतनी अधिक होती है कि भूतल पर वर्ष भर तर रहता है तथा सघन वन मिलते हैं। अब आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेना, जो ए जलवायु है इसमें उन्होंने तीन प्रकार माने हैं यानी कि ए एफ, ए डब्ल्यू और ए एम। ए एफ यानी कि जो पूरा साल वर्षा कर रही थी, ए डब्ल्यू जिसमें शीतकाल शुष्क रहता है और ए एम जिसमें मानसूनी जलवायु है। इसके बाद अब नेक्स्ट प्रकार की बात करें तो वो कौन सा है, बी जलवायु, कैपिटल बी। अब बी में भी उन्होंने कई अलग अलग प्रकार लिए हैं। सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो बी को जो मेन दो प्रकारों में बांटा गया है वह कौन कौन से हैं, एक तो है बी डब्ल्यू और एक है बी एस, जो मुख्य क्वेश्चन में पुट होते हैं एग्ज़ाम वाले में। बी डब्ल्यू का मतलब क्या होता है कि जो शुष्क मरुस्थली जलवायु है, और बी एस का मतलब क्या होता है जो अर्धशुष्क या फिर स्टेपी जलवायु है। ध्यान में रखना कि बी डब्ल्यू शुष्क मरुस्थली जलवायु, और बी एस लग जाए तो एस का मतलब या तो उसको अर्धशुष्क लिख दो या फिर लिख दो स्टेपी जलवायु। अब इसी के आधार पर क्या है आगे बी जलवायु को अलग अलग भागों में बांटा गया है। सबसे पहले तो जैसे आपको अभी बताया ना कि बी के क्या हैं दो भाग किए हुए हैं, बी डब्ल्यू और बी एस, इसी को भी आगे दो भागों में और बांटा हुआ है। जैसे बी डब्ल्यू के साथ एच लग जाएगा और बी एस के साथ भी एच लग जाएगा, वहीं बी डब्ल्यू के साथ फिर के लग जाएगा और बी एस के साथ भी के लग जाएगा। यानी कि एक तो मैंने आपको बताया ना अभी शुष्क मरुस्थली जलवायु है और एक है अर्धशुष्क या स्टेपी जलवायु, तो इसमें एच और के और लग जाएंगे। जो एच और के लगेंगे इनका आगे जो अपने क्या अर्थ होता है ये भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बी डब्ल्यू एच की।
जो BWH है यह क्या है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थली जलवायु है। ये मरुस्थली जलवायु ऐसी जलवायु है यहाँ पर क्या होता है कि औसत वार्षिक तापमान की बात करें तो ये 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। ध्यान में रखना कि औसत वार्षिक जो तापमान है वो 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें BSH की, जो BSH है यह उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु है। स्टेपी के लिए अब ध्यान में रखना एस वर्ड यूज़ किया है उन्होंने, SH यानी कि उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु, और औसत वार्षिक तापमान जो है वो भी 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। नेक्स्ट बात करें थर्ड BWK। अब जो BWK है यह क्या है, मध्यम अक्षांशीय शीत मरुस्थली जलवायु, और इसके औसत वार्षिक तापमान की बात करें तो यहाँ भी 18 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा। ध्यान में रखना कि पहले अधिक रह रहे थे H वाले के साथ, लेकिन K में क्या रहेंगे, ये कम रहेंगे। वहीं इसके बाद अगर इसका चौथा प्रकार देखें BSK यानी कि मध्यम अक्षांशीय शीत स्टेपी जलवायु, और यहाँ का भी वार्षिक जो तापमान है वो क्या रहेगा, औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा। तो इस प्रकार ये क्या था, बी जलवायु का वर्गीकरण था। अब हम बात करते हैं सी जलवायु की। सी जलवायु यानी कि क्या था, समशीतोष्ण आद्र जलवायु, ठीक है, जिसका आपको बताया था, जिसको कि क्या बोलते हैं, मेसोथर्मल बोलते हैं। ये जो सी जलवायु है अगर इसके बारे में हम सामान्यता देखें तो यहाँ पर क्या है, गर्म शीतोष्ण आद्र जलवायु कहते हैं। ठंडे महीने का अगर औसत तापमान देखें तो 13 डिग्री सेल्सियस से कम परंतु -3 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, यानी कि 13 से तो कम मिलेगा लेकिन -3 से अधिक मिलेगा। अब इसमें जो जलवायु वर्गीकरण किया गया है उसमें तीन भाग किए गए हैं, जैसे ए में तीन थे ना, AF, AW और AM था, वैसे ही सी में क्या है, CF, CW और CS। अब इनके क्या अर्थ होते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं CF की। CF क्या होता है, यानी कि CF जिसमें वर्ष भर वर्षा होती है, F का मतलब तो यही है वर्ष भर वर्षा। ग्रीष्म ऋतु में बात करें तो ग्रीष्म काल के शुष्कतम महीने में 3 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु को शामिल किया जाता है। ये बहुत बार नेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुट हुआ है कि पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु के लिए कौन सा अक्षर यूज़ किया है, या फिर चीन तुल्य जलवायु के लिए कौन सा अक्षर कोपेन ने यूज़ किया है, रूम सागरीय जलवायु के लिए कोपेन ने कौन सा अक्षर दिया है। तो आप इन अक्षरों को अच्छे से ध्यान रख लेना, CF वर्ष भर वर्षा और पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु। CW, अब W का मतलब क्या था कि शीतकाल क्या रहेगा, यहाँ पर शुष्क रहेगा, और इसमें जो जलवायु की बात करते हैं तो इसको चीन तुल्य जलवायु के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें क्या होता है कि शीतकाल के शुष्कतम महीने की अपेक्षा ग्रीष्म काल के सबसे आर्द्र महीने में 10 गुनी अधिक वर्षा होती है। तो ये क्या है आपका, शीतकाल शुष्क चीन तुल्य जलवायु। नेक्स्ट बात करते हैं CS से तो मोस्टली सभी परिचित ही हैं। ये क्या है, ग्रीष्म काल इसमें शुष्क आ जाएगा, ठीक है, ग्रीष्म काल शुष्क हो गया। ग्रीष्म काल के शुष्कतम होने की अपेक्षा शीतकाल के सबसे आर्द्र महीने में तीन गुनी अधिक वर्षा होगी। और ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार UPSC के एग्ज़ाम में, RPSC के एग्ज़ाम में और नेट के एग्ज़ाम में पुट हुआ है, वो क्या है कि ऐसी कौन सी जलवायु है जिसमें क्या है, ग्रीष्म काल शुष्क और शीतकाल में वर्षा होती है। तो कौन सी आ जाती है, रूम सागरीय, या फिर आप इसको बोल सकते हो भूमध्य सागरीय जलवायु। तो ये भूमध्य सागरीय जलवायु इसी के अंतर्गत आती है। तो अब आपको सी का पता चल गया कि सी के तीन भाग किए गए हैं, तीन भाग कौन कौन से किए हैं, CF, CW और CS। इसके बाद अगर हम बात करें चौथे प्रकार की जो जलवायु है वह कौन सी है, डी जलवायु। डी जलवायु की अगर हम बात करते हैं तो डी जलवायु के अंतर्गत भी क्या है, दो भाग रखे गए हैं। डी जलवायु में सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे ठंडे महीने का यहाँ पर जो औसत तापमान है वो -3 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। ध्यान में रखना कि पिछले वाला तीन -3 से अधिक था, लेकिन जैसे ही -3 से कम होगा तापमान तो वहाँ पर जो जलवायु है वो कौन सी मिलने लग जाएगी, डी प्रकार की जलवायु मिलने लग जाएगी। अब इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले DF की।
डीएफ यानी कि शीतार्द्र जलवायु है, जिसमें शुष्क ऋतु क्या है, नहीं होती है। ये चीज़ ध्यान में रखना कि इसमें शुष्क ऋतु नहीं होती है। इसके बाद नेक्स्ट देखें डब्ल्यू यानी कि शीतार्द्र जलवायु मिलेगी, और शीतार्द्र जलवायु है तो शीतकाल यहाँ पर क्या है, शुष्क है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो डी है इसके दो उपविभाग किए गए हैं, डी एफ और डी डब्ल्यू। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी जलवायु आती है उसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, ई जलवायु, कैपिटल ई, जिसको क्या बोलते हैं, ध्रुवीय जलवायु कहा जाता है। ध्रुवीय जलवायु की अगर हम बात करें तो इसको भी क्या है, दो भागों में बांटा जाता है। दो भाग कौन कौन से हैं, एक तो हो गया ई टी और एक हो गया ई एफ। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं ई टी की, ई टी का मतलब क्या होता है, टी का मतलब क्या होता है, टूंड्रा। ठीक है, ध्रुवीय टूंड्रा जलवायु होगी। अगर हम उष्णतम महीने का तापमान देखें तो 10 डिग्री सेल्सियस से कम किंतु 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा। समझ में आ गया कि 10 से कम मिलेगा और 0 डिग्री से अधिक मिलेगा, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। नेक्स्ट जो हमारी है वो है ई एफ। अब ई एफ जो है, ई एफ में क्या है, इसके अंतर्गत कौन सा एरिया शामिल किया जाता है, जो हमेशा क्या रहता है, हिमाच्छादित जलवायु होती है, यानी कि पूर्णतः बर्फ़ से ढका रहता है। सभी महीनों में तापमान देखें तो 0 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। तो इस प्रकार ये जो वर्गीकरण था तो ये किसने दिया था, कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण दिया था। आप लोगों के अगर बात करें तो जलवायु वर्गीकरण है तो ये क्या है, कोपेन का भी है, थॉर्नथवेट का भी है, टीवार्था का भी है, तो उसको क्या है, हम अलग अलग वीडियो में एक एक करके करेंगे। जैसे आज जो हमने जलवायु वर्गीकरण किया वो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण किया है, नेक्स्ट वीडियो में जैसे थॉर्नथवेट का वर्गीकरण कर लेंगे। तो कोपेन के वर्गीकरण में आपको पता चल गया कि इन्होंने पहले जो क्या है, 5 कैपिटल अक्षर लिए हैं, ए बी सी डी ई, और फिर वर्षा का वितरण दर्शाने के लिए उसमें कुछ स्मॉल लेटर यूज़ किए हैं। तो इसके आधार पर क्या है, इन्होंने ये जलवायु प्रदेश बताए हैं। इसको आप चाहो तो एक विश्व का नक्शा या फिर आप भारत में प्रदर्शित करना चाहो तो भारत के नक्शे में भी इन शब्दों का अलग अलग यूज़ करके प्रदेशों में दर्शा सकते हैं। कि जैसे मान लो शुष्क जलवायु की बात हो रही है और आप भारत में इसको प्रदर्शित करना चाहते हो भारत के नक्शे में, तो नॉर्मल सी बात है राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वह इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। वहीं अगर आप ध्रुवीय जलवायु की बात कर रहे हो तो ध्रुवीय जलवायु में क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। ठीक है, जो ई जलवायु है वो ध्रुवीय आ गई। तो इस प्रकार से आप इसको नक्शे में भी प्रदर्शित कर सकते हो। अब हम देखें कि कोपेन के वर्गीकरण का जो मूल्यांकन है वह किस आधार पर किया जाता है। तो कोपेन ने क्या किया, अपने वर्गीकरण में मौसम के आसानी से ज्ञात किए जाने वाले तत्वों का उपयोग किया है। ठीक है, आसानी से ज्ञात किए जाने वाले तत्व कौन कौन से हैं, जिसमें तापमान और वर्षा शामिल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर देखें तो इनका वर्गीकरण मुख्य रूप से किसी स्थान या फिर प्रदेश के वनस्पति प्रकार हो गया, उसकी विशेषता होगी, उसकी जलवायु के संबंधों पर आधारित है। इनके जो प्रभावी अगर पक्ष के बारे में बात करें तो इनका जो सिद्धांत है, हालांकि बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, लेकिन फिर भी इनके में क्या है, कुछ कमियाँ बताई गई हैं। कमियों में अगर देखें तो कोपेन का जो वर्गीकरण है इसमें औसत मानसिक तापमान और वर्षा की जो आवश्यकता है उस पर अधिक महत्व दिया गया है, यानी कि क्या है, वर्षा और तापमान को बहुत अधिक महत्व दे दिया गया इसमें। वहीं अगर हम बात करें जलवायु के कारकों की तो उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। और वहीं कुछ इसको क्या कहते हैं, कुछ जैसे भूगोलवेत्त आगे आएंगे तो वो क्या कहते हैं कि इसमें वायु राशि की विशेषताओं को भी सम्मिलित नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से क्या है कि इन आधारों पर इसमें कुछ कमियां बताई गई हैं, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो इनका सिद्धांत क्या है कि बहुत हद तक क्या है, विभिन्न जलवायु तथा उसके उप प्रकारों को इंगित और परिभाषित करने में प्रयोग किया जाता है। और अगर देखें, हालांकि जो इन्होंने जिन अक्षों का प्रयोग किया है उनमें थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन कुछ हद तक इनमें क्या है, बहुत सही भी देखा गया है और कुछ इसमें कमियां भी देखी गई हैं। तो इस प्रकार ये क्या था, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण था। अब इसके आगे जो हमारी नेक्स्ट वीडियो बनेगी उसमें हम क्या है, थॉर्नथवेट हो गया, टीवार्था हो गया, इनके जलवायु प्रदेशों के बारे में चर्चा करेंगे।